विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। भाई साहब, पंडित जी को भी दक्षिणा देके निपटाओ बस। हाँ हाँ जीजा जी, याद है मुझे। पंडित जी, आपकी दक्षिणा। यजमान, मात्र 1100 रुपए दक्षिणा? अरे तो इतना हैरान क्या हो रहे हैं पंडित जी, जो रेट चल रहा है वही तो दिया है। दक्षिणा रेट से नहीं, सामर्थ्य के अनुसार दी जाती है यजमान। अरे तो क्या पूरी गड्डी पकड़ा दें आपको? अरे श्रीमान, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने विवाह इतनी धूमधाम से किया है और दक्षिणा इतनी कम। देखिए पंडित जी, कम हो या ज्यादा, हमें जो देना था हमने दे दिया, अब बाकी बात आप लड़की वालों से करिए। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, हमारे यहाँ पंडित जी को दक्षिणा लड़के वाले ही देते हैं। अरे पापा, किसको दे के बात खत्म करो ना। ठीक है ठीक है। भाई साहब पगला रहे हो क्या, किस बात के 1100? 1100 काफी है, उससे 1 रुपया ज्यादा मत दो। अरे जीजा जी, आप पंडित जी को देख नहीं रहे हो क्या, कैसे शुभ काम को अशुभ बनाने में लगे हुए हैं, अब दक्षिणा को भी इन्होंने भिक्षा बना के रख दिया है। बस यजमान बस, ये आपकी दक्षिणा लीजिए, रखिए इसे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी होती है, और सामर्थ्य होने के बावजूद दक्षिणा ना देने वाले व्यक्ति को गौ हत्या के समान पाप लगता है। रे यार, इन पंडितों का यही है, जरा सा कुछ कह दो फौरन पाप पुण्य शुरू हो जाता है इनका, और इनकी जेब भरते रहो तो सब ठीक है। सही कह रहे हो जी। अरे मजे तो इन्हीं के हैं, गद्दे पे बैठ के 2-4 मंत्र पढ़ेंगे, विवाह संपन्न हुआ कह के मांग लो मोटी दक्षिणा। बस बहुत बोल चुके आप लोग, अब मेरी सुनिए। अरे आप जैसे व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए, विवाह के खान पान, गहनों, महंगी गाड़ियों, आतिशबाजी और बैंड बाजों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब समय आता है पंडित जी को दक्षिणा देने का, तब आपके हाथ रुक जाते हैं, मानो पंडित ने दक्षिणा नहीं आपसे आपकी संपत्ति मांग ली हो। एक बात बताइए, यदि किसी विवाह में पंडित ना हो, फेरे और बाकी कर्मकांड ना कराए जाए, तो इन 56 भोगों, नाच गाने और शराब पी के हुड़दंग मचाने से विवाह संपन्न हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि विवाह में इन सब का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे समाज में वैदिक रस्मों की बजाय इन व्यर्थ के आडंबरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विवाह में फला बैंड आएगा, मेगा फार्म हाउस होगा, विवाह में आने वाले बरातियों को क्या और कितना शगुन देना है, इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है, और मंडप में अगर पंडित सुपारी मांग ले तो आप कहते हैं कि अरे पंडित जी भूल गए, क्या यही तरीका होता है विवाह का? और आप क्या कह रहे थे प्रकाश जी, कि पंडित का काम ही क्या होता है, आराम से बैठ के 4 मंत्र पढ़ देना और दक्षिणा के लिए हाथ फैला देना। तो श्रीमान सुनिए, विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता, 7 जन्मों का अटूट बंधन है, जिसमें पंडित मंत्रोच्चारण करके देवताओं का आह्वान करता है और वर वधु को परिणय सूत्र में बांधता है। इसलिए पंडित और उनके द्वारा किए गए कार्यों की कुछ तो मर्यादा रखिए, उन्हें दक्षिणा भीख समझकर नहीं, आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए दीजिए। पापा कब होगी विदाई? वो बाहर BMW वाला नखरे दिखा रहा है, कह रहा 2 घंटे लेट हो गए, 50,000 रुपए मांग रहा है। ये तुम्हारे विवाह की दक्षिणा। खुश रहो पंडित जी।